देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा है। इंटरेस्टिंगली कैश स्पेस में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी देखने को मिली। 1475 करोड़ के आसपास की खरीद तो FIIs की तरफ से, DIIs की बात करें तो 366 करोड़ की खरीद वहां से निकलकर आती हुई दिखाई दी है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हैं, जिस प्रकार का मोमेंटम पेस हमारे मार्केट्स में, उन सबके बीच आज आपको हमारे बाजारों में क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, मार्वेलस मंडे हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फिर चाहे वो शेयर बाजार हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो। सर बताइए आज कैसे तैयारी करनी है हमारे मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, के संकेत काफी अच्छे हैं। हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि अमेरिकी बाजार में कोई बड़ी गिरावट ना दिखे, अदरवाइज भारतीय बाजार में अपना मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अच्छी तेजी के साथ जो हमारा मोमेंटम बना है उसको हम आज और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कल तो एक ऐतिहासिक दिन हो ही चुका है कि 20,000 का आंकड़ा हमने छुआ है, लेकिन आज 20,000 के लेवल को निर्णायक रूप से हम पार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसे में अब धीमे धीमे आपके लिए सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेगी। आज के लिए जिस लेवल पर आपको होल्ड करना है वो है 19,865 से लेकर 19,965, 19,900, ये आपके लिए इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा। 20,000 के ऊपर खुलेंगे, टिकेंगे भी, और एक बार 20,000 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी आपका ब्लू स्काई जोन में जाता है, यानी कि कोई खास लेवल या तो तकनीकी लेवल के हिसाब से है और नहीं वायदा कारोबार के लेवल के हिसाब से कोई ऐसी रुकावट वाला लेवल है। तो आपको सिंपल एक ही चीज करनी कि अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को ट्रेल करते चले, और जब तक 19,865 के नीचे बंद ना हो तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बढ़ाए रखें, और फिर आज की क्लोजिंग के बाद वो लेवल हम 19,975 का कर देंगे। तो धीमे धीमे थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। अंदाज से अगर मैं वायदा कारोबार के डेटा के लिए आज से कहना चाहूँ तो 20,200 से 20,400 की रेंज में पहुंचने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 45,500 के आसपास हमने क्लोजिंग होते हुए देखी। जो सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी पर तुरंत वो 45,225 से 45,375 की रेंज मानकर चलिए, ये आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 45,700 के आसपास खुलेंगे और उसके बाद और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तब 45,775 45,925 अगला टारगेट बैंक निफ्टी का बनेगा, और 46,000 के ऊपर तो आप बैंक निफ्टी में भी लगभग लाइफ हाई की तरफ तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे। तो निफ्टी के बाद आज पूरी संभावना है, बैंक निफ्टी भी आज आपको मजबूती का एक्शन दिखाए। ज्यादातर दिग्गजों में अच्छी खबरें हैं, रिलायंस, L&T, ICICI बैंक, ये सारे सीमेंट शेयर। तो आई थिंक आज दिग्गजों में अच्छा एक्शन रहेगा और मजबूत ट्रेडिंग सेशन आज भी आपको देखने को मिल सकता है।